हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू राजन एजुकेशन। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है। हमने कुछ क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, 1 2 3 4 करके, 1 2 3, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी ये कह रहा है कि एक टावर है ऐसे, और इस टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, 30 मीटर की डिस्टेंस से देखने पर ये टावर का टॉप यानी इसकी ऊंचाई का एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये कह रहा है कि हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। चलिए इसके वर्टिसेस के नाम दे देते हैं, ए बी और सी, ठीक। अब देखिए, हाइट फाइंड करने के लिए हमें ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है जिस फार्मूले में हाइट और बेस दोनों आता है, ठीक। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि टेन के फार्मूले में दोनों आता है। तो यहाँ देखिए, हमें ये पता, टेन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस हमारा क्या है? ए बी, ठीक। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल बी सी, बी सी को हमने एच एज्यूम कर लिया, हाइट जो हमें फाइन करना है। ए बी हमारा कितना है? 30। ए बी इज इक्वल कितना दिया? 30 दिया है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एच अपॉन 30। अब देखिए, 30 एच इज इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल हमारा होगा 30 दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा 30/√3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब चलिए इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 30/√3, और √3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू यहाँ पर √3। अब देखिए, ये हमारा हो गया ऊपर 30/√3, और हमारा नीचे बचता है √3 × √3 होता है 3। 3 से डिवाइड कर देते हैं, कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? 10। तो आंसर हो जाएगा कितना? 10√3 मीटर। यानी हमारे जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी? 10√3 मीटर। यानी यहाँ लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, अ काइट इज द फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइटली टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी ये कह रहा है, एक पतंग है जो 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी कितने पर? 60 मीटर हाई, यानी 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, और इसकी स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, और ये ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने का? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये पूछ रहा है, अगर स्ट्रिंग इसकी बिल्कुल टाइटली है, एज्यूम कर लीजिए, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? यानी ये हमसे लेंथ पूछ रहा है उसकी। चलिए इसके नाम दे देते हैं वर्टिसेस के, ए बी सी, और हमें पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी है। ये पूछ रहा है स्लैंट हाइट इसकी, नहीं, ठीक, हाइपोटेनियस इसका पूछ रहा है। अब ये देख लेते हैं हम लोग, इसमें ऐसा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों आता है। तो ये किस में आता है? आई थिंक साइन थीटा, साइन में आता है। तो देख लेते हैं यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेनियस हमारा ए सी, ठीक। अब साइन थीटा, थीटा के जगह पे उसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ साइन थीटा के जगह पे कितना? 60 डिग्री इज इक्वल बी सी, बी सी के प्लेस पे 60, और ए सी हमारा एल एज्यूम कर लिए, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल 60, 60 का 60/L, ठीक। अब यहाँ से देखिए, एल इज इक्वल क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल होगा 2 × 60/√3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 62 × 120/√3। अब √3 से हम लोग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 ऊपर, √3 नीचे कर देते हैं। अभी कितना आएगा देखिए, ऊपर हो गया 120
इंटू अंडर रूट थ्री अपॉन नीचे अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इक्वल कितना होगा थ्री, थ्री से डिवाइड कर दीजिए, थ्री फोर जा 12 यानी जीरो आ गया, कितना हो गया टोटल यानी 40 अंडर रूट थ्री मीटर, यानी जो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है वो 40 मीटर है, यानी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस 40 अंडर रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा कह रहा है आ 1.5 मीटर टाल बॉय इज द स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। ये कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, चलिए अज्यूम करते इतना बड़ा सा है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर, ऐसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है जिस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, ठीक। चलिए अब ये कह रहे हैं कि वो यहां से जब देख रहा अपने आईज से इस बिल्डिंग को, तो इसके यहां से बिल्डिंग 30 डिग्री का एंगल बना रही है, जब वह थोड़ी दूर आ जाता है, एज्यूम करते इतनी दूरी पर आ जाता है, अब फिर उसकी आईज यहां कहीं आ जाएगी, अब यहां से जब वो बिल्डिंग को देखता है तो उसकी आईज के साथ 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी कि वो बिल्डिंग से बिल्डिंग के पास कितना दूर आया, ठीक, यानी फाइंड द डिस्टेंस द वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना दूर चलकर आया, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यक्स, जो डिस्टेंस यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी यक्स, ठीक। चलिए सारे वर्टिसेस का नाम दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए ए बी सी डी ई और इसका नाम एफ इसका नाम जी हम लोग दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इधर भी 1.5 मीटर हो जाएगा इतना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ से डी से लेके एच तक की डिस्टेंस कितनी होगी, डी से लेके एच तक की डिस्टेंस जो हमारी होगी 30 माइनस 1.5, यानी 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक, यानी हमारा ये बचा कितना 28.5 मीटर हमारा बचेगा, कितना 28.5, क्योंकि 30 मीटर ही टोटल था, बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे ये बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ चलकर जो आया था वो कितना दूरी चलकर आया था। चलिए पहले हम लोग यूज करते हैं, अगर इसको एक्स अज्यूम किए हैं तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कितना वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग यूज करते हैं फार्मूला, अब ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों यूज होगा, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं टेन 30 यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे टेन 30 को, टेन 60 या टेन 10 30 इज इक्वल, 10 30 इज इक्वल कितना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका होगा कितना डी जी अपॉन बेस कितना होगा यहाँ से एफ से लेकर डी तक कितना एफ डी, ठीक। अब यहाँ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू थी 1/√3, 1/√3 इज इक्वल डी जी, डी जी हमारा कितना डी टू जी 28.5, एफ डी, एफ डी कितना है नहीं पता, तो एफ डी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एफ ई प्लस ई डी इतना लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इस कैलकुलेशन करते हैं तो ये इस साइड चला जाएगा, यानी एफ ई प्लस ई डी इज इक्वल हो जाएगा 28.5 अंडर रूट थ्री, ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं 10 60 का, 10 60 डिग्री इज इक्वल क्या हो जाएगा डी जी अपॉन ई डी, ई डी, ठीक। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट थ्री, और डी जी का डी जी, डी जी हमारा कितना 28.5 और ई डी हमारा कितना है, ई डी को ई डी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ई और डी, ठीक है ई टू डी,
अब आगे यहां देखिए ED इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहां से ED इज इक्वल हमारा हो जाएगा 28.5 अपॉन अंडर रूट 3, ये भी हो गया। चलिए हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है FE, FE की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां पे देखिए इक्वेशन नंबर इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यानी ED की वैल्यू हम लोग यहां ED के पास पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए अब FE इज इक्वल क्या हो जाएगा, FE इज इक्वल हमारा होगा FE इज इक्वल 28.5 अंडर रूट 3 माइनस ED होगा, ठीक। अब यहां से FE इज इक्वल 28.5 अंडर रूट 3 माइनस ED की वैल्यू कितनी है, 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पे देखिए 28.5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन यहां पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। एफ ई इज इक्वल, एफ ई इज इक्वल देखिए हमारा कितना होगा 28.5 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 28 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। अब 28.5 इंटू 3 था, 28.5 इंटू में 3, ठीक। अच्छा इसको ढंग से लिख लेते हैं हम लोग फिर से, तो ये देखिए हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा 28.5 3 टाइम है, 28.5 1 टाइम है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 28.5 कितना 2 टाइम बचेगा, क्योंकि 3 टाइम ये था 1 टाइम ये था, 3 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो 2 टाइम बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 आपका, ठीक। अब देखिए 28.5 मल्टीप्लाई 2 से, 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10 का 0 और 2 8 जा 16 और 16 1 17 यहाँ पॉइंट लगेगा और 2 2 जा 415 यानी 57 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। चलिए इतना आ गया, अब यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं या फिर अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा एफ ई इज इक्वल कितना 57 अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा 57 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, 3 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, देखिए कट जाएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 यहाँ बचा 2 7 3 9 जा 27, कितना हो गया एफ ई इज इक्वल हमारा हो गया 19 अंडर रूट 3 मीटर। बात समझ में, यानी 19 अंडर रूट 3 मीटर वो बॉय जो था वो बिल्डिंग की तरफ चलकर आया था जब उसके 30 डिग्री एंगल से 60 डिग्री एंगल बनने लगा था उसके एज से बिल्डिंग के टॉप का, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नहीं गलत हो गया, चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। From a point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी इसमें यह कह रहा है कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, जब टावर के बॉटम को किसी एक पॉइंट से देखा जाता है तो 45 डिग्री का एंगल बनता है और जब टावर के टॉप को उसी पॉइंट से देखा जाता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक। तो इस टावर की हाइट कितनी होगी जबकि बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, तो यहाँ हम लोग फार्मूला यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज होता है। परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, टैन में, ठीक। तो टैन थीटा इज इक्वल आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ लिख देते हैं टैन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देख लेते हैं परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ठीक। यहाँ से देखते हैं इसमें दो ट्रायंगल बने थे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, इन ट्रायंगल ए बी डी, चूंकि यहां पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी डी और दूसरा बन रहा है ए बी सी,
तो ए बी डी में हम लोग देखते हैं, ए बी डी में देखेंगे तो यहाँ देखिए टेन थीटा इज इक्वल आपका हो जाएगा बी डी अपॉन ए बी। अब टेन थीटा की जगह आप उसकी वैल्यू रख लेते हैं टेन 45, टेन 45 इज इक्वल बी डी, बी डी हमारा कितना 20 और ए बी कितना ए बी, ए बी ही है ठीक। अब टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इज इक्वल 20 अपॉन ए बी। अब यहाँ से देखिए ए बी इज इक्वल कितना हो गया 20, ए बी इज इक्वल भी 20 मीटर हो गया। नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी में देखते हैं यहाँ पे एंगल कितना लेंगे 60 डिग्री ठीक। तो यहाँ देखिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल कितना होगा, टेन 60 डिग्री इज इक्वल बी सी अपॉन ए बी, टेन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 और बी सी हमारा नहीं पता, तो बी सी और बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी अपॉन ए बी, अपॉन ए बी हम चाहें यहाँ ए बी की वैल्यू भी रख सकते हैं ठीक, अपॉन ए बी, ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो 20 हो गया ठीक। अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 इज इक्वल बी डी, बी डी हमारा कितना है 20 मीटर प्लस डी सी, डी सी कितना हमने एक्स अज्यूम कर दिया, एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना है 20, 20 का दूसरी साइड करते हैं, इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल 20 प्लस एक्स ठीक। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल हमारा होगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, अब यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर ठीक, यानी एक्स इज इक्वल हमारा हो गया 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर ठीक। यानी ये है कि हमारा टावर की हाइट कितनी आ गई 20 अंडर रूट 3 माइनस 1। अब आपका मन करेगा तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख लीजिएगा कितनी 1.732 होती है, 7.732 माइनस 1 करिएगा जितना आएगा उसमें से 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक, आंसर आपका ये भी सही है। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है 20 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर ठीक। क्वेश्चन नंबर एट हमारा है, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। यानी ये कह रहा है एक स्टैचू एक पेडेस्टल पर बना है ठीक, और स्टैचू पेडेस्टल पर ही बनता है, आपने सरदार पटेल की मूर्ति देखी होगी वहाँ पर, देखिए जो उनकी वहाँ स्टैचू बनी है वो पेडेस्टल पर बनी है ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो स्टैचू वो पेडेस्टल पर बना है और पेडेस्टल की हाइट आपको फाइंड करनी है और उसके पेडेस्टल के ऊपर जो हमारी स्टैचू बनी है वो 1.6 मीटर टॉल है ठीक। तो ये कह रहा है अगर किसी एक पॉइंट से हम लोग पेडेस्टल किसी एक पॉइंट से हम लोग अगर स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से जब हम लोग पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री का एंगल। अब ये कह रहा है कि हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है तब ठीक, तो पेडेस्टल की हाइट हम फाइंड करते हैं, ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर और बेस यूज होगा, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है टेन में ठीक है, यहाँ टेन का मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। अब यहाँ देख लेते हैं टेन 45 डिग्री, यानी इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक है। अब टेन 45 डिग्री इक्वल कितना होगा, टेन 45 डिग्री इक्वल बी सी अपॉन ए बी, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, बी सी को हमने एक्स अज्यूम कर लिया यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, ए बी को ए बी रहने दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए बी इज इक्वल एक्स। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग बना देते हैं। नेक्स्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी में देखेंगे, ए बी डी में टेन 60 इज इक्वल बी डी अपॉन ए बी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती, टेन 60 की वैल्यू होती अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इज इक्वल बी डी, बी डी को हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी ठीक। अब ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग कहाँ अंडर रूट 3 में, ये देखिए इधर हो जाएगा अंडर रूट 3 ए बी इज इक्वल
बीसी, बीसी को हमने यक्स अज्यूम कर लिया, यक्स, और फिर प्लस सीडी, सीडी हमारा 1.6, ठीक। अब यहां से देखिए ए बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहां देखिए ए बी इज इक्वल होगा यक्स प्लस 1.6 अपॉन अंडर रूट 3। इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं हम लोग 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी इज इक्वल कितना, यक्स, यानी जहां ए बी है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स। ये देखिए हो जाएगा यक्स इज इक्वल यक्स प्लस 1.6 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यक्स अंडर रूट 3 इज इक्वल यक्स प्लस 1.6। अब यक्स को भी दूसरी साइड कर लेते हैं तो यक्स को करेंगे तो यक्स अंडर रूट 3 माइनस यक्स इज इक्वल 1.6, तो यहाँ यक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल 1.6, ठीक। फिर देखिए यहाँ हम लोग कर लेते हैं स्पेस हमारे पास है यहाँ पे, तो हो जाएगा यक्स इज इक्वल, यहां से देखिए यक्स इज इक्वल हो जाएगा 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर में नंबर अंडर रूट में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो होगा क्या, देखिए हो जाएगा यक्स इज इक्वल 1.6 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी इसके अपोजिट साइड से हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक। अब देखोगे यक्स इज इक्वल 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हमारा बन गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यक्स इज इक्वल हमारा हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए आएगा कितना 0.8, यक्स इज इक्वल हमारा हो गया 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, यानी हमारी जो पेडेस्टल की हाइट थी वो कितनी आ गई 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारी क्या पेडेस्टल की हाइट है। थैंक यू।